चैनल पे। और अभी अभी हम लोग आए हैं सांप को रिलीज करने के लिए। जिस सांप को हम लोग पकड़े थे उस सांप को हम लोग रिलीज करेंगे और दिखाएंगे कि प्राकृतिक में ये किस तरह से अपने जो है कि चल कर जाएगा। देख सकते हैं ये सांप को। और अभी हम लोग इसको ऐसे और ऐसे खोल दिए और उसके बाद अब ये देखिए नजारा, लाजवाब नजारा। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये प्रकृति का ये नज़ारा है आप देख सकते हैं। और ये अपने खुद जो है कि निकल कर जो है कि अपने जंगल की तरफ जाएगा और हम लोग इंतज़ार करते हैं और देखते हैं किस तरह से जो है कि ये निकलने की कोशिश करता है। और ये एकदम अपने आक्रामक मूड में और इसको हम लोग जो है कि डंटा से जो है किसको हम लोग गिरा देते हैं ताकि ये सांप जो है कि अपना निकल कर चला जाए। बहुत ही लाजवाब। हम लोग जो सांप को नाग नागिन को जो हम लोग रेस्क्यू किए थे उसे छोड़ने का समय आ गया और उसे हम लोग जो है कि छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं क्योंकि ये अपना जीवन जो है कि ठीक से व्यतीत कर सके। चलिए इसको हम लोग रिलीज करते हैं। और ये देखिए लाजवाब। और इसके साथ एक और है, उसे भी हम लोग निकालते हैं बाहर की ओर। ये देखिए लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। और दोस्तों दया नाम की चीज़ हम इंसान में ही दे रखा है और ये हम इंसान और ये जो है कि अपने रास्ता की ओर जाते हुए देखिए लाजवाब चला गया। चलिए जो मज़ा है वो कोई चीज़ में है नहीं और रिलीज़ करने में जो खुशी मिलती है वो खुशी जो है ना कि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सांप को रहना धरती पर बहुत ज़रूरी चीज़ है और सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आप सभी जहां कहीं भी जीव जंतु को देखें और जीव जंतु को बचाना ज़रूरी चीज़ है क्योंकि पर्यावरण पे संतुलन बनाए रखना है। तो हमारे धरती पे कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, चींटी, ये सब जो भी चीज़ जीव होते हैं वो सब जीव जो है कि हमें ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आप सब जहाँ कहीं भी ये सब चीज़ देखें कि अगर कोई मार रहा है तो वहाँ पे मुझे कॉल करें, हम आएंगे उसको रेस्क्यू कर उसको सही सलामत उसके घर में हम छोड़ने का काम करेंगे। चलिए वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और ख़तरनाक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।